बढ़िया। सुने क्या सीखा बताओ? बहुत सारी बातें थी। बढ़िया। अच्छा, सभी जब यहाँ से गए, खाना वाना खा रहे थे, क्लास हो रहा था, चाय पिए, अपने आप बाबा याद आ रहा था या नहीं? आ रहा था। याद आ रहा था सबको? तो कितना अच्छा, अगर रेगुलर अगर आप अभ्यास करें तो कितना आनंद आएगा सोच रहे। और क्या सीखा सुने? जो होगा वो तो हो जाएगा। बढ़िया। और संकल्प 24 घंटा संग बाबा संग, ये तो कोई बता ही नहीं रहा, करो ना। मेरे संग संग चलते बाबा, मुझसे पड़ी लगी तो भागो। और क्या सीखा? वो हो गया, वो तो पक्का हो गया, बार बार निकल रहा है, जो हुआ अच्छा। ओम गुरु सीखा, बहुत अच्छा, वो भी अभ्यास करना। और क्या सीखा? एक्शन का रिएक्शन, जो भी हम कर्म करते हैं आत्मा के मन के अंतर मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है, और वही आत्मा पतित बनती है या पावन बनता है, उसी एक्शन का। अभी एक्शन हम धैर्य दर्शन से जो किए हैं उसको बदलना है, उसी के लिए बाबा मुरली ने हमें ट्रेनिंग दिया है। और क्या सिखा रहा? बोलो बोलो, और भी बहुत सारी बातें थी। मैं मुझे करना है, तन को सफल कौन करेगा? हाथ लगा। धन को सफल कौन करेगा? बाबा का घर कौन बनाएगा? विश्व की सेवा कौन करेगा? मधुबन कौन जाएगा? फरिश्ता कौन बनेगा? ये मैं सोमान पाली। दूसरा मैं है, मुझे नहीं पूछा, मुझे ने ये किया, वो बकरी वाले में नहीं करना, मैं ऐसा होता नहीं। और क्या सीखा बता? अच्छा, मैंने लास्ट में एक पॉइंट बताया था, वो बता। 24 घंटा बाबा मेरे साथ है, नहीं, लास्ट में एक संकल्प किया था जो मैंने कहा ये याद रखना, मैं नहीं सुना आपको। नशा। नहीं, और कुछ बोला? जो भी मैं संकल्प करता हूँ क्या उसका चित्र बनता है? बोलो, जो भी मैं संकल्प करता हूँ मेरे सामने चित्र बनता है। अच्छा, रात को सभी सोते हैं? अरे हाँ जी बोलो ना, ये तो बोला नहीं, हाँ जी सीखा, पक्का पक्का सीखा, ये भी नहीं बोल रहे। रात को सभी सोते हैं, सोने के बाद क्या करते हैं? सोने के बाद याद करते हैं। आप शब्दों को बड़े ध्यान से सुने, कुछ भी उत्तर मत दीजिए, समझिए पहले। सोने के बाद मैं सो गया, उसके बाद मैं क्या करता हूँ? स्वप्न देखते हैं। बहुत अच्छा, किसने बताया? आप उठाओ ताली बजाओ। जो सही आंसर उत्तर देता है वो ताली की काबिलियत होता है, सम्मान में पात्र बनता है, इसलिए अच्छा। सोने के बाद हम क्या करते हैं? सब जानते लेकिन बोल नहीं गए। सोने के बाद आज रात को किसने सपना देखा था? मैं पूछूंगा नहीं कौन सा सपना देखा, लेकिन देखा या नहीं देखा होगा, लेकिन याद नहीं रहता है। कुछ सपने याद रहते हैं, कुछ सपने याद नहीं रहते। अच्छा, ये स्वप्न कौन देखता है? आत्मा देखता है। सही उत्तर है ताली बजा। और कोई उत्तर देगा स्वप्न? और कौन देखता है? जैसे कोई कहता है मन देखता है, अंदर मन देखता है, बहुत सारी बातें, संस्कार देखता है, संस्कार देखता है। आत्मा आंखों द्वारा बोलो क्या करती है? कान द्वारा, नाक द्वारा, मुख द्वारा, हाथ द्वारा बोलो भाई साहब, ये तो हम सब जानते हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं?
लेकिन मैं जो कहने जा रहा हूं, आत्मा शरीर की बिना कुछ कर सकती है? अगर शरीर की बिना कुछ हो सकता था तो भगवान भी परमधाम से आते और किम किम बीच में चमकते बड़े मैदान में, लो बच्चे मैं आ गया हूं, शिव बाबा आ गया, अभी उनकी आवाज वहां से सुना देता बाबा, आकाशवाणी होता और सभी आत्माएं आते शरीरधारी एक एक पावन बनते सत्य में चले जाते। लेकिन ऐसे हो सकता था? बाबा आए बिना शरीर के कोई काम नहीं हो सकता। अगर बाबा आके आवाज भी कर दी, लोग सोचते हैं पता नहीं क्या आवाज आ रहा है, भूत या प्रेत क्या पता नहीं। इसलिए बाबा ने ब्रह्मा कर लिया, आया ना। तो हमें भी आत्मा भी बिना शरीर के कोई कर्म नहीं कर सकती है, ना देख सकती है, ना बोल सकती है, ना सुन सकती है। इसलिए जब 5-10 साल में पहली बार सती में आत्मा आती है परमधाम से यहां तक, बीच में बोलती है नहीं बोलती, साइलेंस। अगर आत्मा बोल सकती है तो फिर परमधाम में तो बातचीत आपस में कर सकते हैं ना, आत्मा कर सकती है नहीं? लेकिन आत्मा बिना शरीर के कुछ भी नहीं कर सकती है। बड़े ध्यान से इस बात को सुने। तो सोने की बात सपन कौन देखता है? ये आंखें तो बंद हो जाती है, फिर कैसे देखती है आपको? मन से। अच्छा, जब परमधाम में आत्मा रहती है उस समय आत्मा में मन होता है या नहीं? तो परमधाम से देख सकता है? तो अभी शरीर की जब आंखें बंद हो जाती है तो आत्मा कैसे देखती है? संकल्प। तो परमधाम में संकल्प आत्मा का नहीं चलता है, परमात्मा का नहीं चलता है। तो वहां से देख लेते हैं कि ये शरीर लड़ी की क्या जरूरत है, पतित बनने की क्या जरूरत है, कितना पाठ बजाने की क्या जरूरत है। आत्मा टिमटी में आते घूम घाम के चले जाते, आनंद भी ले लेते, बोल भी देते, बात भी कर लेते। शरीर क्यों लिया? बिना शरीर से कोई कर्म नहीं होता है, ना देख पाएंगे, ना सुन पाएंगे, ना कुछ कर पाएंगे। तो सोने की बात आत्मा कैसे करती है, कैसे देखती है, कैसे एहसास करती है? ब्रेन में जो लोड होता है, परमधाम में जब आत्मा रहती है तो क्या उसमें लोड नहीं होता है? आत्मा में तो 84 जन्म का पार भरा हुआ है। और थोड़ा गहरी बातें बताओ, क्योंकि हम फरिश्ते की बात कर रहे हैं, 5 तत्व में कल्पना आत्मा करती है, बताओ। सिर्फ आत्मा करती है, संकल्प करती है, उसमें देख लेती है, और कोई आंसर? आत्मा स्माइल, सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड परमधाम में नहीं रहती, आत्मा जब रहती है शरीर में रहने के बाद आत्मा क्या सबकॉन्शियस माइंड बना? अंतर्मन। अंतर्मन नहीं रहता है? अगर अंतर्मन से सब कुछ वो कर लेता है तो फिर आत्मा शरीर लेने की क्या जरूरत है? सूक्ष्म शरीर। ताली बजा भाई जी। क्योंकि आत्मा जब शरीर में रहती है तो शरीर के द्वारा कर्म कर सकती है, या तो शरीर के द्वारा देखेगी। सिर्फ आत्मा एनर्जी एक पॉइंट कुछ नहीं कर सकती है, उसको शरीर चाहिए, या तो स्थूल शरीर या तो सूक्ष्म शरीर। इसीलिए जब देवता तन में आई आत्मा, देवता शरीर को छोड़ा, एक सूक्ष्म शरीर को तुरंत निर्माण कर दिए खुद। समझ लो आप 80 साल के हो, 60 साल के हो या 10 साल के हो, और जिस स्थिति से आत्मा शरीर छोड़ती है, जिस साइज का शरीर होता है वो अंतमति स्वगति वैसे ही उसका सूक्ष्म शरीर होगा, छोटा या बड़ा। आया ना, ये तो हम जानते हैं। तो इसीलिए सूक्ष्म शरीर कैसे बनाती है आत्मा? अपने संकल्प शक्ति से। कैसे बनाती है? ये बहुत गहरी बात और है, इसलिए चेहरा बिगाड़ के सुनना जरूरी है, मुस्कुरा के सुनो तो याद रहेगा, नहीं तो पता नहीं। भाई ने बहुत अच्छी अच्छी बात बोला, लेकिन मुस्कुरा के सुनोगे सारी बातें आपकी मेमोरी में याद रहेगी, ऐसे करके सुनोगे कुछ नहीं याद रहेगा, थोड़ी समय के बाद डिलीट हो जाएगा पक्का। देखो भाई जी क्या कर रहे हैं, नहीं नहीं मैं इनकी बात कर रहा हूं,
तो सुबह मैंने बोला कोई कुछ भी करे हमें ध्यान नहीं देखना है, सपन भाई अपना काम करे हमें उनको देखना जरूरी थोड़ी है। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कोई इतना भी दे रहा पक्का कितनी बार बोल दिया फिर भी बोल लिए। पक्का दो से तीन बार बोलो पीछे वाले आवाज नहीं आई। तो आत्मा को सूक्ष्म शरीर चाहिए या तो स्थूल शरीर चाहिए साकार दुनिया में रहने के लिए, और 5,000 साल में आत्मा परमधाम जा नहीं सकती है। अगर परमधाम चली जाती आत्मा तो फिर इस सृष्टि पर इतना संख्या नहीं बढ़ता। इसलिए बाबा कहता है आत्मा एक बार आएगी और मेरे साथ ही जाएगी, अकेली नहीं जा सकती है। कितनी भी तपस्या कर लो मोक्ष को प्राप्त करने के लिए नहीं हो सकता, परमात्मा साथ में लेके जाएगा। तो इसीलिए जब इस धरती पर रहती है आत्मा वो अपने संकल्प से सूक्ष्म शरीर का निर्माण करती है, हर जन्म में किया। समझ लो एग्जाम्पल बहुत अच्छा मुस्कुराहट ऐसे नहीं, समझ लो आप एक पुराने घर में रहते हो 40 साल हो गया, कितने साल 50 साल हो गया, कितने साल। अभी गवर्नमेंट कह रहा है कि ये घर पे यहाँ पे जो आपने घर बनाया ना ये घर पे हम यहाँ रेलवे स्टेशन बनाएंगे एयरपोर्ट बनाएंगे, तो क्या करना पड़ेगा तोड़ना पड़ेगा। वो गवर्नमेंट के काम है वो तोड़ देगा, लेकिन मेरा काम क्या है जोड़ना पड़ेगा, मतलब नया घर बनाना पड़ेगा। तोड़ने की बात बनाने या तोड़ने से पहले बनाना है। और गवर्नमेंट टाइम नहीं देता है कि आपके लिए 3 महीने का टाइम है या 6 महीने का टाइम है। आप कहते हो नहीं देखेंगे गवर्नमेंट आए तो क्या होगा, मैं घर नहीं छोड़ने वाला दूसरा बनाने वाला नहीं, तो क्या होगा गवर्नमेंट आएगा घर तोड़ेगा आपको निकालेगा आप भटकेंगे भटकेंगे दुखी होंगे, आया ना। लेकिन अगर समय से पहले पुराने घर में रहते हुए मैंने नया घर के निर्माण कर लिया, और जब घर टूटने वाला हो गवर्नमेंट आके निकालने वाला हो धक्का मार के या प्यास से निकालेगा, तो मैं खुशी खुशी से निकलूंगा या दुखी होकर निकलूंगा, क्योंकि मेरा घर तैयार है कभी भी निकल सकता हूं। इसलिए बाबा मुरली में बहुत अच्छा पॉइंट बोलते हैं कि जैसे मक्खन से बाल निकलती वैसे ही शरीर से, लेकिन कब, जब पहले से घर तैयार किया हो तब। तो क्या पहले से हमने घर तैयार किया, याद करोगे किया या करना है। आत्मा पुरानी घर में रहती है नया घर तैयार किया, ब्रह्मा बाबा ने तो पुराने घर में रहते हुए पहले से सूक्ष्म बर्तन में नया घर का निर्माण कर दिया था अपने पुरुषार्थ से। तो मैं करूंगा या नहीं, पक्का। आत्मा को स्थूल शरीर चाहिए या तो सूक्ष्म शरीर चाहिए, तो सूक्ष्म शरीर हमें निर्माण करना है। अच्छा जब घर बनाना ही है पुराना बनाओगी नया बनाओ, नया सुंदर बनाओगी या पुराने डिजाइन की तरह बनाओगी, हाई टेक्नोलॉजी डालोगी अति सुंदर बनाओगे या जैसे पुराना सड़ा मड़ा फटा हुआ वैसे निकालोगे। तो ये जो शरीर है पतित होने की बात ये जन्म लिया है, और विकारों से जन्म लेने की बात ये शरीर का सबका चेहरा सब कुछ कर्म भी बिगड़ा हुआ है। तो हम अपने संकल्प से नया स्वरूप को निर्माण करना है, या ना। नहीं नहीं मेरा फरिश्ता तो मेरी आंखें जैसी होगी चलेगा, या और सुंदर बनाना। तो वो सुंदर शरीर का निर्माण मैं आत्मा कर सकती हूँ, जैसे मदन ने बोला था अभी कि सब कुछ माइंड अंतर्मन, अंतर्मन है क्या, अंतर्मन क्या है कोई बताएगा। देखो हम मुरली क्लास सुनते हैं, मुरली क्लास सुनते हैं, मुरली क्लास से पहले 7 बजे गाना बजता है, कौन सा बताओ ना, जाके बताओ गाना बोला मैंने कटाया नहीं, पंछी है
अंतर मन में ज्योति जगा लो, अच्छा सोच समझ के भी उत्तर देना। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। कौन सा दूर अंधेरा होगा? अच्छा कौन सी ज्योति जगा दी? थोड़ा सोच के बताओ, तुरंत लगाया क्योंकि हम सब एक्सपर्ट है ना, आत्म ज्योति जगानी है। अच्छा बताओ आत्मा, ये समझ लो आत्मा है, ठीक है। आत्मा के अंदर क्या है? मन, बुद्धि, संस्कार। और मन के अंदर क्या है? अंतर मन। और अंतर मन के अंदर क्या जगाओगे? आत्म ज्योति। आपने एक हीरा, क्या हीरा आपके पास है? बोलो मेरे पास हीरा है। और आपने घर में रखा है, घर में कहां रखोगे इतना मूल्यवान चीज? छोटी सी डब्बी में, है ना। और डब्बी को कहां रखोगे? सिंदूक के अंदर, है ना। वो छोटा सा सिंदूक के अंदर बड़े बॉक्स के अंदर रखोगे, है कि नहीं? आगे बोलते जाओ। तो बॉक्स को कहां रखोगे? एक बड़ा सा कमरे के अंदर, है कि नहीं? वो कमरा एकदम सीक्रेट होना चाहिए, हाँ या ना। फिर उसके बाद एक दरवाजा होना चाहिए, है कि नहीं? फिर उसके बाद अपना कमरा, है ना। फिर उसके बाद बड़ा कमरा, फिर उसके बाद मेन गेट, फिर उसके बाद बाहर आए तो रोड है, वहां मेन गेट। तो बाहर के रास्ते में आपको कोई पूछेगा कि आपने हीरा कहाँ रखा है? हीरा में घर है या घर में हीरा है? घर में हीरा है, मेरे घर के अंदर मैंने हीरा रखा है। तो अभी आपने क्या कहा कि हीरे के अंदर मेरे घर में घर पर रखा है, कि अंतर मन में आत्म ज्योति को जगा रहे, माना अंतर मन के अंदर आत्मा है। तो आपने आंसर तो वही दिया फटाफट, आत्म ज्योति जगाने। आत्म ज्योति तो ऑलरेडी जगा हुआ है, आत्मा के अंदर मन बुद्धि संस्कार। और मन का जो गहरापन स्थिति है, जैसे सागर हम देखते हैं ना, सागर के ऊपर क्या होती है? बोलो सर, लहर के बीच में जाओ तो थोड़ा सा हलचल होता है, ऊपर की नजारे देखते हैं हम कभी कभी, डुबकी लगाते हैं। और एकदम गहराई में जाएंगे तो ना लहरें दिखाई देगी, ना हलचल दिखाई देगी, पूरा शांत होगा। तो अंतर मन क्या है? जो गहरापन स्थिति है, मन की गहराई में जाना, वो है अंतर मन। और वहां जो संकल्प पहुंच जाता है वो चमत्कार रूप से काम करने लगता है, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो। और वो चित्र निर्माण करता है, वो आपके जीवन में घटित होता है। अभी सहज रीति से मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको सफलता पानी है और कैसे फरिश्ता स्वरूप बनाना है। तैयार रहो, क्योंकि हमारी आदत पड़ी हुई है बातों को सीरियस सुनना। इतना नाक बिगाड़ोगे, कितना चेहरा बिगाड़ोगे, भाई देवता बनना है। क्या बनना है? बड़ा अच्छा लग रहा है ना? हाँ जी, तो ठीक से बोलो, बड़ा अच्छा लग रहा है भाई। कल हम लिपस्टिक भी लगाएंगे, हाँ जी बोलो, काजल भी लगाएंगे, पक्का ना? तैयार हो ना? कल की सुबह की क्लास में हम काजल, लिपस्टिक, मस्तक का तिलक, नाक का सिंगार, कान में कुंडल, गले में हार सब पहनेंगे। वो कौन सी ज्ञान है? और बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। तो चलिए, हमने शुरू में ही कहा था, हम जो संकल्प करते हैं हमारा चित्र बनता है, है कि नहीं? जब कोई कहानी सुनाता है, एक जंगल में 200 बंदर थे, एक जंगल में बोलो 50 हाथी थे, 100 भालू थे, और उस जंगल में आम के पेड़ बहुत अच्छा था, और आम के पेड़ में इतनी अच्छी अच्छी आम, बड़े बड़े आम होते थे। भालू को फिर खाने की बहुत लालसा होती थी, लेकिन खा नहीं पाता था। तो वो क्या करते थे? बंदर उसे मांगते थे, बंदर उनको आम खिलाते। हाथी भी थे तो हाथी को भी बंदर मदद करते थे, आम तोड़ तोड़ के देते थे। उस जंगल में एक बार 5 शेर आए, 5 खूंखार शेर, और काफी बंदर को मार के खाने लगे।
तो बंदर के अंदर हलचल पैदा हो गई। अब उन्होंने मदद मांगना शुरू की, किससे? हाथी से, भालू से। तो उन्होंने कहा इन्होंने मदद किया है तो संगठन इनका बन गया। और एकदम सा जैसे पांच शेर आए थे इनको मारने के लिए, तो उधर से हाथी, कितने थे हाथी? 50। कितने थे भालू? तो जब हल्ला मचा के आए तो शेर भाग गए। सब देखा या नहीं? नहीं नहीं भाई साहब, मेरे सामने मेरे भालू को खड़ा करो, बंदर खड़ा करो, हाथी खड़ा करो, टाइगर खड़ा करो, सांप खड़ा करो, तभी मैं मानूंगा। जब हम संकल्प करते हैं हमारे सामने, जैसे कहते हैं ना कल्पना, कल्पना नहीं, सूक्ष्म चित्र बनता है, वो रियल होता है। लेकिन उस पर अगर हम निश्चय कर ले, सिर्फ संकल्प करना 1% होता है, लेकिन उसमें निश्चय अगर 100% हो गया, वो सूक्ष्म चित्र साकार बन जाएगा आपके सामने। और वो है अंतर मन का काम। जैसे आपने सुना होगा कहानी अलादीन का चिराग, सुना है? कि उस अलादीन की चिराग को जब हम टच करते थे, एक जिन निकलता था और बोलता था, क्या बोलता था? क्या चाहिए मेरे आता, क्या चाहिए, ऐसे बोलता था नहीं? तो हमारा अंतर मन भी निरंतर हमें पूछता है, क्या बोलो, 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 कौन पूछ रहा है? अंतर मन। और आपको क्या चाहिए? सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, सफलता, है ना? लेकिन हम क्या दे रहे हैं उसको मैसेज? मेरे से तो नहीं होगा, मैं तो कर नहीं पाऊंगा, मुझे नहीं होगा, मेरा जीवन ऐसा ही ना, वो कहता है ठीक है, उससे डबल में देने वाला। और वही हमारे जीवन में भगवान मिलने के बाद भी वही घटित होता है। तो हमें क्या करना चाहिए? सफलता, 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 सफलता। जीवन में सब कुछ प्राप्त करने के लिए चार अक्षर का शब्द यूज करना है, जो बाबा मुरली ने कहा है, स ख ल क। मकान बनाने के लिए चार खंभा, चार होना चाहिए। सृष्टि चलता है चार दिशाओं से, जीवन भी चलता है ज्ञान योग धारणा सेवा से, ब्राह्मण सेवेंडर्स में कोर्स में भी बताते हैं, सत्संग, शुद्धन, पवित्रता, देवी, चार चीज। कलर में भी चार रंग मुख्य है, जितने भी कलर बनते हैं। तत्वों में भी चार तत्व है, आकाश तत्व के अंदर तो चार तत्व है ना, तो इसी तरह चार चीज बहुत ही आवश्यकता है। समझ में आ रहा है? आंखें गड़बड़ी करके सुनो, थोड़ा मुस्कुरा के सुनो, थोड़ा ऐसे होकर सुनते, पता नहीं भाई नया नया बात क्या हो रहा है। हाँ, मुस्कुरा के बड़ा अच्छा लगता है। तो जब हम सफलता शब्द को यूज करेंगे तो हमारे जीवन में, जैसे सफर भाई जी ने एक बहुत अच्छी बात बोले थे कि चार चांद लग जाएगा, लग गया या नहीं? लेकिन हमें चार चांद नहीं चाहिए, कितने चांद चाहिए? 64 चांद। बोलो, चांद तो एक ही होता है, चार चांद क्या होता है, 64 चांद क्या होता है? कहने की बात है, एक चांद की रोशनी से सारा संसार रोशन हो जाता है, तो चार चांद से क्या होगा? और उस जगह पर अगर 64 चांद हो तो वो कहते ना, तुम्हारी को अंगुली पूरा, पांचों अंगुली घी में, पांच या दस अंगुली डालो तो अभी कुछ नहीं होने वाला, जब तक उसको टेढ़ा नहीं करोगे। हाँ या ना? तो इसी तरीके से हमारे जीवन में 64 चांद तब लगेंगे जब हम सफलता के शब्द अंतर मन को हम मैसेज पहुंचा देंगे। तो उसकी सहज तरीका जो सुबह से हम सीख रहे हैं, मैं पहले ही बोला था, सुबह उठते ही आंखें खुलते ही क्या करना है? मुस्कुराना है। उसके बाद बोलो बाबा से गुड मॉर्निंग करनी है, मुस्कुराओ। हाँ, सुबह उठते ही आंखें खुलते ही क्या करना है? अच्छा, मैंने क्या बोला? कब मुस्कुराना है? अमृत वेला कौन बोला? मैं बोल रहा हूँ सुबह उठते ही आंखें खुलते, सुबह कितने बजे होती है? अगर आप 2:30 बजे उठ गए, 3 बजे उठ गए, क्या उस समय अमृत वेला है?
अमृत वेला का टाइम बाबा ने फिक्स किया 4 से 5। आप अगर 5:45 बजे उठ गए कभी जल्दी से, अगर 6 बजे उठ गए या 3 बजे उठ गए, मैं जो शब्द कहा उसको देखिए ध्यान से कि सुबह उठते ही आंखें खुलते ही पलके खुलते ही मुझे मुस्कुराना है, क्योंकि 4 समय ऐसा है अलादीन का चिराग का, वो जी निकलता है और पूछता है क्या चाहिए, तो आपको क्या चाहिए, मुस्कुराना। हम कैसे सुबह उठते हैं, जुर्मानी का अपने सामने काम करना है, ये करना है। वो पूछ रहे क्या चाहिए, हाँ बहुत सारे काम करिए, ठीक है और भी काम तेरा बढ़ा। अगर उस जगह पर आज से कल सुबह से आप उठ के सबसे पहले जैसे ही आंखें खुले, चाहे 2 बजे 3 बजे 4 बजे 5 बजे, कभी भी आंखें खुलती है, वैसे तो 4 बजे से पहले उठना है, आंखें खुलते ही जैसे ही आंखें खुले एक्टिंग करना, हो सकता है तो पहले ट्रेनिंग कर ले कैसे करना है, पहले मैं करके दिखाता हूं फिर आप करना। रात हो गई, सोने जा रहा हूं, गुड नाइट बाबा, स्वप्न देख रहा हूं, ये जंगल में भाग रहा हूं, ये आसमान से गिर रहा हूं, पता नहीं वहां सुक्ष्मतन में बाबा जी ये मधुबन में पहुंच गया, वहां अपने पड़ोसी घर में लड़ाई क्यों कर रहा हूं, चलो कोई बात नहीं, सब कुछ अच्छा बढ़िया। 3:30 बज गया, बाबा ने उठा दिया, अलार्म घंटी बज गई, 1 2 3 गुड मॉर्निंग बाबा, सफलता ही सफलता मेरे जीवन, सफलता ही सफलता मेरे, समझ रहे हैं, मेरा पूरा हुआ, अभी आपको करना है, मैं 1 2 3 बोलूंगा सब सो जाऊं, नीचे नहीं सिर्फ बैठना चाह रहा, फिर मैं कमेंट्री करूंगा जब 1 2 3 कहूंगा आप उठेंगे फिर ऐसे मुस्कुराएंगे, क्योंकि यहां करेंगे तब कल सुबह से हो सकती है। चलिए वन, अच्छा इतना कहने के बाद भी कोई कोई माता है भाई ऐसे देखते रहते हैं, सिर्फ गर्दन थोड़ा टेढ़ा करेंगे और देखेंगे, कोई भी सभी को करना है और आंख बंद करनी है, मैं कमेंट्री करूंगा स्वप्न वाली कमेंट्री कि कहां कहां जाते हैं कैसे होता है, फिर उसके बाद उठेंगे 3:30 बज जाएगा या 4 बजे, उठने के बाद सबसे पहले थोड़ी होंठ पर चौड़ा करना है, गुड मॉर्निंग ठीक है, समझ में आया ना, मैं करके दिखा इसे करो, चलिए 1 2 3 अरे भाई सो जाओ मुझे देखने के लिए मैंने सुना, देखो भाई ऐसे सो रहा आंखें बंद नहीं आती है, हाँ बंद करो, सब बंद करो, बात मतलब आंखें बंद करो, हाँ आप बहुत अच्छा, आप आंख खुला रखिए, मुझे मत देखना, आंखें बंद करो, समझ में नहीं आ रहा है, हाँ अच्छा एक बार आंख खोल दो, खोल दो सभी खोल दो, मतलब बंगला, अच्छा किस किस को हिंदी समझ में नहीं आता है बेटा, हाथ उठाओ बताए, अच्छा इसीलिए आंखें खुले रखिए, चलो अभी और एक बार 1 2 3 सो गए बाबा, गुड नाइट, बहुत अच्छा, कितना अच्छा हलवा खा रहे हैं, ब्रह्माउदन खाने से वाह कितनी अच्छी बात है, मधुबन में पहुंच गए, टहल रहे हैं दालीगर में खाना खा रहे हैं, तपस्या धाम में घूम रहे हैं, सूक्ष्मतन में बाबा के पास, वाह ये जंगल में भाग रहे, पीछे से भालू पड़ा है, कोई कोई बात नहीं, बढ़िया, चोट लगी कहीं कुछ हो गया फिर भी हम घर में आराम से सोए, 3:30 बज गए, अलार्म की घंटी बज गई, 1 2 3 बहुत अच्छा मुस्कुराया, पहले कुछ सेकंड मुस्कुराना है उसके बाद गुड मॉर्निंग बताया, उसके बाद तो क्या ही नहीं बोलो, सफलता ही सफलता, 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 देखो मंदिर में हम पूजा करने जा रहे हैं है ना, या देवी देवताओं की पूजा करते हैं, पहले तो मूर्ति कैसे बनाते हैं आपको पता है, कोलकाता में खास होता है, उड़ीसा में नहीं होता, सब जगह आजकल तो सब जगह चल रहा है,
घास को इकट्ठा किया, उसमें डंडा उंडा डाला, जो भी है मिट्टी डाला, फिर उसको डिजाइन किया। बनाया किसने? मनुष्य, हमने बनाया। देखो कैसे, जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं ना, बाबा कहता ना अंधश्रद्धा, छोटे बच्चे मिट्टी का पुतला बनाते हैं, पूजा करते हैं, छोटे छोटे भोग भोग लगाते हैं। हमने मिट्टी का पूजा किया, सब कुछ किया, उसके बाद उसको कपड़ा पहनाया, सब कुछ कलर आंखें सुंदर बनाया, सब कुछ चेतन बना लिया। फिर एक पंडित को बुलाते, वो आता है मंत्र पढ़ता है, आपको अभी तक समझ में आया मंत्र क्या? सारे उनको भी समझ में आया पहले जो भी है। लेकिन मंत्र पढ़ने के बाद हम सोच लेते हैं इसमें प्राण, चलो आ भी गया कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, प्राण आ गया। फिर पहला दिन अच्छी तरह पूजा पाठ खिलाया, अगरबत्ती सुलाया, आपके नाक में अगरबत्ती सुलाएंगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन हम देर देर तक सुन गए, कोई बात नहीं। यहाँ तक होता है मंदिरों में वो मूर्तियों में जाके देवी देवता को इतना, जब तक मेरा काम पूरा नहीं करता नारियल फोड़ फोड़ के दूध डाल डाल और अगरबत्ती सुंदर सुंदर के पूछे, मेरा मन काम है जब तक पूरा नहीं करेगा मैं अगरबत्ती चढ़ाऊंगा ही चढ़ाऊंगा, तो ये भी अच्छी बात है, भक्ति हो सकता है। उसके बाद 7 दिन के बाद क्या करते, हमने जीवदान दिया, फिर पंडित के कहेंगे तुम उसको मार भी डालो, विसर्जन दे दो, दे दिया। अगर सचमुच उसमें आत्मा होती या कुछ होता, उसको लेके जाते हैं पानी में डुबो डुबो के आप घर में मेहमान को बुलाओगे, प्यार से खिलाओगे, 3 दिन के बाद दे पिटाई आपको तो दुआएं वरदान देगा। तो देवी देवताओं की ये हम क्या करते हैं, हमारी खुद की मूर्तियों को हम खुद अपमान कर रहे हैं। अरे इतना सुंदर करोड़ों की मूर्ति बनाए तो उसको रखो ना घर में, चलो जो भी होगा। लेकिन यहाँ बीच में बात आती है कि जो मंत्र हम पढ़ते हैं, मंत्र से हमारी विश्वास जगता है कि वो प्राण आ गया और आज तक वो चला आ रहा है, कि सचमुच ये चैतन्य मूर्ति के अंदर वो स्वच्छ शुद्ध पवित्र मंत्र हम डाल दें तो जीवन कितना सुंदर देवत्व पर चला जाएगा। और वो मंत्र है जो बाबा ने दिया, सफलता तुम्हारा जन्म सिद्धि, सफलता तुम्हारा तो सफलता ही सफलता मेरे जीवन में, बोलो। एक बच्चा सागर के किनारे बैठा था, आज बहुत उदास था क्योंकि वो एग्जाम में फेल हो गया। घर में किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन उदास इसीलिए है कि सब बच्चे पास हो गए, मैं फेल हो गया, साल भर इतना मेहनत किया फिर भी। सागर के किनारे बैठ के भगवान को बोलता था, तुमने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, मिट्टी खोद देता, जैसे हम बैठते हैं ना कुछ करते रहते हैं, तो उस तरीके से वो मिट्टी खोदता रहता था, तो मिट्टी के अंदर एक छोटा सा दिया मिला, छोटा सा दिया। उस दिया के अंदर एक तांत्रिक 50 साल पहले किसी आत्मा को कैद कर दिया था, समुद्र में फेंक दिया था, वो समुद्र के दिया आके आज किनारे पे मिट्टी में मिल दब गया था, तो बच्चे के हाथ में लगा। सुनो कहानी है, एक्सप्रेशन देते हुए सुन। तो वो दिया जब उठाया तो उसने देखा, अरे बड़ा सुंदर दिख रहा है, उसमें पानी में धुलाई किया, थोड़ा घिसने लगा, एक आत्मा निकली उसमें, उसको श्राप मिला हुआ था कि जब तुझे कोई मुक्ति देगा तो उसके मन काम है तो पूर्ण करना, दो तभी तुझे मुक्ति मिलेगी। तो उसने हू करके निकला और बोला, क्या चाहिए तुम्हें? तो बच्चा डर गया, डरे गए नहीं, ज्ञान में हम चलते हैं, हम जैसे ज्ञान में चलने लगे अंतर्मन काम करने लगा, बड़े बड़े संकल्प आने लगे और बड़े बड़े विघ्न आने लगे, क्योंकि विकारों की आदत पड़ी हुई है, तो हम वो संकल्प किए, हमारे सामने विकार तूफान होकर खड़े हो गए, डर गए, बाबा ये सब बचाओ मुझे, ये सब संकल्प कितने आ रहे हैं, ज्ञान में तो नहीं आता, आया ना दलदल में हमें भी फंसे हुए थे, लेकिन दलदल से जब निकले तो पता चला विकार क्या होता है, इतना तूफान क्या होता है, और जो सामने खड़ा हो गया तो हम डर गए, बाबा को बोलते हैं, बाबा तुम इसको दूर करो, मैं खुद खड्डा कर दूंगा लेकिन बाबा आके उसको पूरा करेगा, फिर भी बाबा मदद कर रहा है।
बता मैं ज्ञान दे रहा हूँ, आप गर्व करो, आपकी उन्नति होती जाएगी, उनका बंद हो जाएगा, आप तुम्हें आत्मा बन जाओ। तो इसी तरीके से उन्होंने पहला तीन वरदान उसको था, तीन संकल्प जो आत्मा तुम्हें मुक्ति देगी, इस दिया से निकल जाओगे, तुम उनका तीन संकल्प पूरा करना। जैसे अल्लाह जी की चिराग की कहानी वैसे ही है। तो उसने बोला तुम जहां से आए थे वहां चले जाओ, तो फिर करके अल्लाह सच गया। तो वो कौतूहल से बच्चा अपने घर में लेके गया, मम्मी पापा बताए, मम्मी मम्मी पापा पापा, इस तरह कुछ ऐसे निकलता है, कौन कोई भूत सा धुआं सा निकलता है और बोलता है क्या चाहिए, क्या बोलता है, मुस्कुरा के बोलता है क्या चाहिए। तो जब वो पूछता है, मम्मी पापा कहते हैं अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, चलो ठीक है फिर महाराज को ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन मम्मी पापा सोचने लगे ये अल्लाह देव की चिराग की कहानी कहीं ऐसा तो नहीं है। तो बच्चा जब सो जाते हैं, मम्मी पापा दोनों उठते हैं, थोड़ा लव वृद्धि होता है, तो निया को निकालते हैं, थोड़ा हिलाने लगते हैं, तो वहां कर गया बता क्या चाहिए, ये तो डर जाते हैं, सचमुच आ गया। फिर उसको कहते तू जहां से आया वही चले, फिर जाके सो जाते हैं, लेकिन नींद नहीं आती है, इनको पूछ रहा है सचमुच हमें तो देख तो नहीं देगा, अगर हम उसे धन मांग ले तो करो संपत्ति मांग ले तो विचार करके दोनों आते हैं, फिर से हिलाते हैं, लास्ट करता है, सुनो बड़े ध्यान अच्छा ये एक्शन क्या अच्छा है या नहीं, ये एक्शन अच्छा है या नहीं, सत्य में रहेगा ऐसा, ये सुख वाली है दुख वाली है। मैंने जहां भी जाता हूँ काफी भाई भी, एक जगह में क्लास करा रहा था, एक भाई कुमार है, कुमारों की क्लास चल रहा था, एक कुमार ऐसे सुन रहा था, मैंने कहा भाई ये क्या कर रहे हो, तो आपकी बातों में बड़ी गहराई है, इतना गहरा है, मैंने कहा इतना गहरा है, कहने की बात है सटीक में हमारे लिए नेगेटिव एक्शन नहीं होगा, हम भले अच्छी बात सुन रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, अगर ऐसे सुन लेंगे तो रिएक्शन गलत होगा, इसलिए इस एक्शन को हम त्याग देंगे, तो सटीक में यह होने वाला नहीं है, लेकिन आदत पड़ी हुई है, जाएगी मेरे भी जाती है हाथ, फिर मैं निकालता हूँ, अरे ऐसे तो ये थोड़ा परिवर्तन करना जरूरी है। तो उन्होंने फिर से जाके दिया को हिलाया और वहां से निकला आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ, बोला क्या चाहिए, बोला हमें बहुत सारे पैसा सोना रत्न लेके आते हैं, बोला एक शर्त है मैं ये दे दूंगा लेकिन उसके बाद मुझे मुक्ति मिल जाएगी और मैं चला जाऊंगा, बोला कोई बात नहीं देने की बात चले जाओगे और तो अच्छा है, हमें तंग नहीं करोगे, और लाने वाला तो कहीं और पहाड़ी से नहीं है, दूसरों के घर में जाके किसी को खून खराबी मार लूट मार करके वो जीव लेके आया और इनके घर में दे दिया और आत्मा चली गई सूक्ष्म शरीर के साथ। अब ये दिन रात भर सजाते रहे हीरे मोती पैसा अलमारी में, सुबह देखा तो पुलिस कुत्ते लेके आ रहा है, इनके घर में पहुंच गया कुत्ता सुन सुन के और बोला कहां से लाए, बोला ये तो वो जो था ना ये अल्लाह की चिराग इसमें था उसे देखे गया, हमने नहीं मिला, बोला नहीं उनके घर में लूट हुई, उनके घर में लूट हुई, उनके घर में चोरी हुई, उनके घर में मार्केट खून खराब हुआ, ये सब आप दोनों ने किया, नहीं नहीं हमने कुछ नहीं, तो आपके घर में कैसा है, बोला वो जो है ना उसके अंदर था, वो कहां है दिखा, वो तो चला गया, बोले कहानी किसको सुना गया, हमारे अंतर मन से हम जो संकल्प देते हैं वो कर्म हमसे होता है और हम दूसरों को दोष देते हैं, इसके द्वारा ये नहीं होता ना, ऐसे कर्म मैं थोड़ी कर पाए, किया किसने, खुद ने, तो अभी उनको अगर उसी जगह पर वो कहते कि दुनिया में जितने गरीब है तुम सबको जाके खाना खिला दे कितना अच्छा होता, पुण्य बन जाता, जितने बीमार लोग हैं उनको जाके ठीक कर दे, लेकिन नहीं, हमारी संस्कार बना हुआ है लोभ वृत्ति कि बस बाबा मेरा दुकान बन जाए ना उसके बाद तो ज्ञान में जो मैं चलूंगा चलूंगी, मेरा बस बच्चा ठीक हो जाए, मेरा भाई ठीक हो जाए, मेरा मामा ठीक हो जाए, मेरा नाना दादा दादी दादा पापा पापी भी सब ठीक हो जाए, पापा पापी भी सब, ये मांगने की लिस्ट जब तक हम बंद नहीं करेंगे, सिर्फ संकल्प करेंगे सफलता,
बाबा कहता है देने वाला बैठा हुआ है, आप सिर्फ ले चलो। बाबा से देने बन रही है, बोलो। यही शक्ति जो है ना आपको संपन्न बनाएगा, बोलो। बाबा मेरे मस्तक की तो ये तो कहा ही था, लेकिन सच में हमारे जीवन में घटता है। सुबह उठते हैं, आंखें खुलते ही निकल जाना है, कितनी परेशानियां, और ये जीवन में पैसा तो नहीं मिल रहा, पैसा कहाँ से आएगा, क्या होगा, अंतर मन पूछ रहा है क्या चाहिए। हाँ ये तो बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, तो बीमार हो, सिर दर्द हो रहा है। हाँ वही होना चाहिए, ठीक है बच्चा, और भी बढ़ेगा तेरा दर्द, चिंता मत। लेकिन उसकी जगह पर अगर हम कह दें अंधेरे में क्या जलाते हैं, क्यों, क्योंकि तो करना रहे। तो जीवन में जितना भी दुख है, और दुख के अंधेरे में हमें सुख के दिया जलाना है, अर्थात शुभ संकल्प के दीप जलाना है। मतलब अंतर मन में ज्योति जलाना, अर्थात शुभ संकल्प के दिया को जलाना है निरंतर। और सबसे अच्छा शुभ संकल्प है सफलता। बहुत बड़े बड़े संकल्प नहीं आ रहे मन में, कोई बात नहीं, सिर्फ बोल दो सफलता ही सफलता मेरे जीवन में, सफलता ही सफलता मेरे। थोड़ा मुस्कुरा के बोलो, क्या चाहिए, क्या चाहिए। इसलिए सुबह जो मैंने सिखाया था कि चोट लगे कभी बोलो अंतर्मन। वैसे तो सतयुग में 24 घंटा जगा रहता था। अच्छा सतयुग में किस किस को जाना जरा हाथ उठा फटाफट, पूरा उठाना, पता नहीं चल रहा है। हाँ बहुत अच्छा, सतयुग में सबको जाना है, ताली बजाओ मेरी। राष्ट्रीय कौन करेगा, बाकी सब घाटों पर चला रहा है, कोई बात नहीं। अच्छा पुष्कर विमान में कौन कौन बैठे हैं, बहुत अच्छी है, खुशी की खबर है सबके पास। अच्छा पुष्कर विमान सबके पास होगा या एक नहीं, जैसे यहाँ ऑटो में 8, 10, 15, 20 बैठ जाते हैं। अच्छा पुष्कर विमान आप खुद चलाएंगे या ड्राइवर के, कैसे चलेगा। अच्छा आप जब अभी यहाँ गाड़ी खरीदते हो, गाड़ी चलाने के लिए ट्रेनिंग लेना पड़ता है या गाड़ी खरीदा और चाबी मोड़ा और चलना, तो वो ट्रेनिंग का पीरियड अभी चल रहा है या हो चुका है या होने वाला है, ऐसे चल रहा है कब तक बोलते रहोगे, संगम में पार हो जाएगा। डेमो कब दिखाओगे, लाइसेंस सही या नहीं। बाबा कहता है तूफान आ रहा है, आपकी संकल्प शक्ति से तूफान रुक जाएगा। बाबा कहते हैं आपकी दृष्टि से, आपकी संकल्प शक्ति से दूसरों की दुख दर्द मिट जाएगी। कब होगा, जब आप ये करने लग जाओगे, किरणें आ रही है और फसे जा रही है, बोलो कहां से आ रही है, किरणें आ रही है। और उसके साथ अंतर मन को जितना सशक्त शक्तिशाली बनाओगे वो काम करने लग जाएगा। सिर्फ समझना सीखे, अभी सतयुग में 24 घंटा अंतर्मन खुला रहता था, वहां नेगेटिव कोई करता नहीं था, और जो संकल्प किया पुष्प विमान उड़, तो यहाँ 50 बार कहते हैं बारिश हो जा नहीं हो रहा, क्यों, उसके पीछे 10 संकल्प हम छोड़ गए। बारिश हो जा नहीं, कैसे होगा, बादल तो है ही, वो तो एक दूर दूर तक दिख नहीं रहा है, बारिश होगा तो अगर हो भी जाएगा तो क्या, वो आने वाला व्यक्ति भी कंफर्म नहीं होता है, कंफ्यूज होता है। हरियाणा एक कुमार को उठा, वो क्या फटाफट वो क्या बदल यहाँ खड़े हो, थोड़ा थोड़ा आ गया बेटा, मुझे थोड़ा पीछे मुझे देखो साइड हो जाए, अब मैं जो बोलूंगा फटाफट करना, ठीक है। ये कौन है, अभी जीन है, मेरा अंतर्मन का जीन है, मैं उसको ऑर्डर दूंगा वो करेंगे, फटाफट करना, बैठो नहीं उधर जाओ, जाओ करो इधर बैठ, इधर उधर कुछ नहीं हो सकता, खाली हो जाए। सिर्फ 3-4 संकल्प किया व्यक्ति कंफ्यूज आया ना, ये हम सब प्रयोग करते हैं।
मैं एग्जाम में पास हो जाऊंगा, पता नहीं पास होगा, पता नहीं जाऊंगा, इसलिए पढ़ाई क्या बस एक साल बता दो, बस क्वेश्चन कैसे आएगा, वो अंतर्मन क्या समझेगा, कंफ्यूज हो जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं निश्चय मत लीजिए, एक संकल्प में टिके रहना तो आपको सफलता मिलेगा। मैं अगर सिर्फ एक ही संकल्प भाई को बोलता बैठ जाओ तो क्या होता, मेरे चार संकल्प करे नीचे ऊपर जो वो क्या मुस्कुराते हो गया।